हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की और साथ ही साथ जानेंगे कौन कौन से ऐसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले टाइम पे एक मल्टी बैगर रिटर्न देकर जा सकते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू तो हिट सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो मैं आपको बता दूं मैंने पहले भी सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स रखी है आपके साथ जहां पे आप देख सकते हैं हमने बात की थी डिफेंस इंडस्ट्री की शुगर इंडस्ट्री की एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की तो आप ये वीडियोस भी जाकर जरूर देखिए चलिए अब बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो ये है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रोजेक्शन जो आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज 2021 में 42 यूएस डॉलर बिलियन की थी थीवर इन 2024 इट इज प्रोजेक्टेड टू सिक्स 65 2030 2030 120 आपको जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या मार्केट साइज है उसका थ्री एक्स ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा विच इज ह्यूमंगस और मुझे लगता है कि यही जो इंपैक्ट है ये आपको आने वाले टाइम पे इंडियन फार्मा कंपनीज में भी दिखेगा और उन्हें ये नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है अब मैं बात करूं आर एंड डी इन्वेस्टमेंट्स की बाय इंडियन फार्मा कंपनीज तो आप देख सकते हैं 2020 के बाद जो यहां पे एक डिप आया है 7.2 परसेंट का इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी आप सब लोग जानते हैं कि जब कोविड आया था तो लॉर्ड ऑफ द फार्मा कंपनीज ने अपने जो आर एंड डी इन्वेस्टमेंट्स है उनको बढ़ा दिया था और उसके बाद जो कैपेसिटी है वहां पे इतना जरूरत ना होने के कारण ये जो आर एंड डी इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको डिप दिख, दिखाई दिया था इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी सिमिलरली अगर आप देखें जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट था इंडिया से वो काफी हद तक अच्छा कर रहा था इन ईयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020, 2021 एंड 2022 ट्वेंटी टू बिकॉज ऑफ द कोविड एंड उसके बाद अगर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में यही चीज आपको डिप दिखाती हुई दिखाई देगी बिकॉज जब कोविड था तो ग्लोबल मार्केट में मेडिसिन की डिमांड बहुत ज्यादा थी और इंडिया टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एंड अ ग्रोइंग मार्केट फॉर दी फार्मा एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ाया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन नाउ व्हाई आई बिलीव कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो वो आगे चल के काफी अच्छा कर सकती है दैट इज बिकॉज आप देख सकते हैं जो इंडिया का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा कॉस्ट अफिशियंट है और साथ ही साथ देर आर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी एफ डी एज वेल एज पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट विच कैन लीड दी दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू अ बेटर प्लेस अगर सिमिलरली मैं बात करूं फार्मा कंपनीज की तो आप देख सकते हैं ये है निफ्टी फार्मा का इंडेक्स और ये जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था जुलाई वन टू में आप देख सकते हैं जो ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है इसमें टॉप ट्वेंटी फार्मा कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है और अगर मैं बात करूं इसके कम... इसके परफॉर्मेंस की इन लास्ट वन ईयर तो आप देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी ऑटो एंड बैंक जहां पे उन्होंने 20 टू 25 परसेंट के रिटर्न दिए हैं आपको निफ्टी फार्मा ने ओनली 0 टू 5 परसेंट के रिटर्न देता हुआ आपको दिखाई दिया है जिसके वजह से मुझे लगता है कि यहां पे एक पोटेंशियल है यहां पर एक वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है आपको अभी भी काफी भागा हुआ सेक्टर नहीं है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री uh, और मुझे लगता है कि यहां से ये एक आउट परफॉर्मर करने का दम रखता है हमने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स शुगर सेक्टर स्टॉक्स तो हमने आपको बताया था कि आपको हमेशा अपने लीडर्स के साथ चलना चाहिए और सिमिलर चीज हम यहां पे भी फॉलो करेंगे जब हमने डिफेंस सेक्टर्स की बात की थी तब हमने आपको बताया था कि आपको एच एल या मेज डॉक के साथ बने रहना चाहिए और तब से लेके आज तक दोनों ही स्टॉक रफली फिफ्टीन टू ट्वेंटी ऊपर जा चुके हैं सिमिलरली यहाँ पे हम इन चार पर्टिकुलर कंपनीज को लेंगे टॉप को कंपनी जो है सन फार्मा डॉक्टर रेड्डी लैब सिप्ला एंड डीवीज लेबोरेटरीज इनका मैं आपको डिटेल कंपैरिजन दिखाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको अच्छे रिटर्न देके जा सकता है और बात करूं अगर आप, आपको निफ्टी फार्मा के चार्ट की तो आप देख सकते हैं आफ्टर लॉन्ग कंसॉलिडेशन फ्रॉम 2015 फिफ्टीन टू ट्वेंटी एक अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला हमें फार्मा सेक्टर में और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है और जो निफ्टी फार्मा है वो अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है जो है 15,000 का लेवल और आने वाले टाइम पे आपको ये और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है चलिए ये थी बात इंडाइसिस की ये थी बात इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अब मैं बताता हूं कि क्यों मुझे लगता है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है आप देखेंगे ये रिपोर्ट है मनी कंट्रोल की और इंडिया जो फार्मा मार्केट है दैट हैज रिकॉर्डेड स्ट्रांग ग्रोथ फॉर द सेकंड स्टेट मंथ इन मे ट्वेंटी ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट जून फिफ्टीन ट्वेंटी को ही आई थी और मैं आपको बता दूं पिछले दो महीनों से जो इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री है वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है वट वॉज हैपनिंग की जो इंडिया की फार्मा कंपनीज थी वो अपने मार्केट के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी यूएस एंड यूरोप से हाउ एवर द ट्रेंड हैज बीन चेंजिंग अगर आप यहां पर देखें तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है मोस्ट ऑफ जो कंपनीज है, है वो इंडिया में अब अपने आप को इस्टैब्लिश करने लगी है आप देख सकते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज आउट परफॉर्म एम एनसी बाई थ्री हंड्रेड बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर इन मे 2023. This was the report by Motilal Financial Services Limited. और आप देख सकते हैं जो टॉप परफॉर्मर थे वो थे अजंता फार्मा 16 मैनकाइंड फार्मा सॉरी मैनकाइंड फार्मा विथ 14% परसेंट एंड मैनी अदर कंपनीज तो मुझे लगता है ये जो चीज है ये जो शिफ्ट हो रहा है रेदर देन रिलाइंग ऑन दी आउटसाइड इकोनॉमीज एंड रिलाइंग ऑन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट ये एक काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इन कंपनीज के लिए सिमिलरली आप देखेंगे ये जो है जो कंपनीज है वाई दे कैन बी बैक इन द प्लेस वेयर दे आर सपोज टू बी बिकॉज ऑफ देयर आर एंड डी इन्वेस्टमेंट येस इन पास्ट ईयर्स 2021 के बाद 2022 ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी में कंपनीज ने अगेन अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहां इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने भी यह कहा है कि सेवरल मेजर ड्रग ड्रग मेकर्स आर इन द फेज ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग देयर स्पेशलिटी पोर्टफोलियोज एंड ही बिलीव्स पीक प्रॉफिट फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट स्टिल लाई अहेड विच मीन्स जो इन्वेस्टमेंट फार्मा इंडस्ट्री ने अभी किए हैं उनका बेनिफिट इन कंपनीज को आने वाले टाइम पे हो सकता है डेफिनेटली जो एक्सपेंशन होता है उसमें काफी टाइम लगता है तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन इवेंचुअली मेक तो फार्मा अच्छा कंपनीटर है।, है, तो है आप नहीं जानते कौन सी अच्छी है कौन सी कंपनी बुरी है तो आप सीधा का सीधा आप यह देख सकते हैं फार्मा बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं यह जो फार्मा बीज है डायरेक्टली निफ्टी फार्मा में इन्वेस्ट करता है जो टॉप ट्वेंटी कंपनीज है निफ्टी फार्मा की ऑल ऑफ दी कंपनीज में इस पर्टिकुलर बीज या इस पर्टिकुलर ईटीएफ के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो है तेरह रुपए का आप अगर अपने ब्रोकर अकाउंट पे सर्च करेंगे फार्मा बीज आपको ये मिल जाएगा ये निपॉन एम का है ये पर्टिकुलर जो निफ्टी फार्मा बीज है अगर आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है करंट मार्केट प्राइस इसका 13.38 है मुझे लगता है 14 तक ये इजीली जा सकता है और 14 को जैसे ये ब्रेक करेगा इसमें एक ब्रेकआउट देखा जा सकता है फॉर द लेवल ऑफ 15 तो मेरी मेरा ये ऐसा मानना है इफ समवन हु इज नॉट वेरी मच वेल वर्स विद स्टॉक्स और वो ज्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं फॉलो करना चाहता तो डेफिनेटली फार्मा बीस का एक ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए साथ ही साथ अगर मैं इसको आपको वीकली चार्ट पे भी दिखा दूं तो मुझे ये ट्रेंड काफी सॉलिड और काफी पॉजिटिव लग रहा है आप देख सकते हैं जो एम है वो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड में जा चुका है और काफी अच्छी वॉल्यूम्स भी देखी गई है पिछले दो तीन हफ्तों में और ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है तो ये पर्टिकुलर फार्मा बीस का जो ए है ये आप अपने पोर्टफोलियो या रडार में रख सकते हैं सिमिलरली अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊं कंपनीज की जो निफ्टी फार्मा की कंपनीज है आप देख सकते हैं ये है थर्टी डेज परसेंट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनीज एंड रिटर्न्स सबसे ज्यादा रिटर्न दिए है वो दिए है लॉरेस लैब ने टॉरेंट फार्मा ने ऑरिबेंदो फार्मा ने डॉक्टर रेड्डी फर्दर डीवीज डिवीज लैब एंड सिप्ला नाउ मुझे इसमें से जो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है वो है डीवीज लैब का आप देखेंगे कि जो पूरे साल में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सिर्फ 0.41 के रिटर्न दिए हैं और पिछले 30 डेज में इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है नाइन पॉइंट फाइव थ्री एवर जो लॉरेस लैब है टोरेंट फार्मा या और फार्मा है आप देख सकते हैं इनके थ्री डेज के रिटर्न इतने ज्यादा बेटर नहीं है हाँ, बट ये ये पर्टिकुलर स्टॉक्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल है राइट तो मैं नहीं चाहता कि किसी वॉलेटाइल स्टॉक में आप लोग घुसिए या किसी ऐसे स्टॉक में आप लोग फंस जाए जहां पे अगर आपको सेल ऑफ देखने के लिए मिले तो एक ही दिन में पांच या दस परसेंट का गिरावट देखने के लिए मिल जाए तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहां पे डॉक्टर रेड्डी एंड डीबीज लैब ये जो दो स्टॉक है मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं हावर डीबीज लैब का स्टॉक मुझे ज्यादा बेटर इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी यहां पे ईयरली ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल सकता है आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी ऑलरेडी 14 परसेंट अप है अपने 365 डेज चेंज पे बट डीबीज लैब में आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा चलिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूं डीवीज लैब के चार्ट पे आ, ये है डीवीज लैब का चार्ट आप देख सकते हैं और मुझे लगता है यहां परेशन अच्छा, जोन बन चुका है कंपनी बहुत बुरी तरीके से गिरी थी अपने टॉप लेवल से बिकॉज इनका जो प्रॉफिट मार्जिन वो हमें गिरते हुए दिखाई दिए थे एंड आप देखेंगे जब ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरा तब इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग आते हुए आपको दिखाई दिया है जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सपोर्ट लिया गिरने की ट्राई की तब यहां पे आप देखे वॉल्यूम चेंज कैसे हो रहा है और वॉल्यूम यहां पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे स्टॉक गिर रहा है तो विच मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है जब भी गिरता है इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है बिग इंस्टीट्यूशन आर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक ये मैंने आपको पहले भी समझाया है पहले भी सिखाया है आपको वॉल्यूम्स को पढ़ना आना चाहिए और आप देखेंगे कि जब से ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरा है उसके बाद से इस पर्टिकुलर स्टॉक में ग्रीन कैंडल्स का आना कितना ज्यादा हो चुका है और उनकी वॉल्यूम्स इन कंपैरिजन टू रेड कैंडल्स वो भी कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है तो मुझे लगता है ऑन डेली बेसिस एमएससीडी का क्रॉसओवर भी ओवर पे बन रहा है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी अगर मैं आपको इसके मंथली चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो ओके तो आप देख सकते हैं यहां पे जो नेगेटिव ट्रेंड है या नेगेटिव वॉल्यूम्स है वो खत्म होते हुए दिखाई दी है और यहाँ पे जल्दी आपको एक क्रॉसओवर होते हुए दिख सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक का पांच हजार रुपए तक का है पांच हजार रुपए से ये फॉल करता हुआ आपको अभी पैंतीस सौ रुपए के आसपास मिल रहा है काफी ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है मुझे लगता है यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन बनना चाहिए आपका फर्दर ये स्टॉक गिरता है टू द लेवल ऑफ 3400 फोर हंड्रेड थर्टी थ्री हंड्रेड वहां पे भी आपको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए एंड फर्दर डाउन थ्री थाउजेंड रुपीज के पास आपकी थर्ड इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने टॉप लेवल से गिरेगा हावए Uh, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 3400 या 3300 के आसपास वहां पे आप अपना वन थर्ड अमाउंट डिप्लॉय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे भी एक्यूमुलेशन अच्छा लगता है मुझे मैंने पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में यह स्टॉक ले रखा है और इन कमिंग डेज मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको थर्टी एट हंड्रेड के टारगेट्स देता हुआ जा सकता है सिमिलरली मैं आपको दिखाऊं डॉक्टर रेड्डीज का लैब डॉक्टर रेड्डी का चार्ट राइट right? सो so, आप देखेंगे यह डॉक्टर रेड्डी का चार्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक भी काफी अच्छे अपट्रेंड में है आप देखेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है जैसे हमने डिस्कस किया है राउंडिंग बॉटम पैटर्नस ये देख लीजिए ये मान लीजिए ये है इसका फर्स्ट कप यहाँ पे इसने ब्रेकआउट अच्छा दिया उसके बाद ये अपने लेवल्स को टेस्ट करने आया हाउ इसने यहाँ पे एक और थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दिया था ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था हाई मुझे लगता है कि इसका जो सपोर्ट है वो बनता है आपका रफली आस पास फोर्टी फाइव हंड्रेड के फोर्टी फाइव हंड्रेड के नीचे से जाना नहीं चाहिए और आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको काफी अच्छे रिटर्न दे के जा सकता है तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे फोकस पे है और सिमिलरली मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओ ब्रेकआउट मैनकैन फार्मा के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था मैनकैन फार्मा से रिलेटेड मैंने आप काफी सारी वीडियोस रखी थी जहां पे हमने मैनकैन फार्मा के बारे में बात की थी खुद अलॉटमेंट्स लिए थे और मैं आपको दिखा दूं जो मैनकैन फार्मा का स्टॉक है वो आज के दिन ट्रेड कर रहा है सिक्सटीन ट्वेंटी पे जब हमने डिस्कस किया था ये चौदह के आसपास चल रहा था वहां पर इसने ब्रेकआउट दिया मैं आपको ये वीडियो भी सुना देता हूँ आप ये सुन लीजिए

होती है तो ये स्टॉक और भी ऊपर जाने का दम रखता है एंड मैं आपको बता दूं फार्मा मैं आपको डे वन से बता रहा हूं जब एप्लीकेशन आया था कि दे होल्ड अ वेरी स्ट्रॉग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रेडार में रख सकते हैं अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है हाउएवर अगर ये नीचे आता है कहीं पे आसपास पंद्रह पचास पंद्रह तीस के आसपास तो यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से बन सकती है That's it from my side. I hope I was able to give you good information on the Indian pharmaceutical industry. कौन कौन से stocks हैं जो आपको अपनी radar पर रखने चाहिए और और I hope अगर आपको ये video पसंद आया हो तो आप इसे अपने friends and families के साथ जरूर share कीजिए That's it. Happy investing. Thank you.